तो दोस्तों देखिए, मैंने सैमसंग का जो फ्रिज लिया था उसको देखिए सैमसंग से यहाँ इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको पूरा मैं प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे इंस्टॉलेशन कर रहा है। आप लोग सैमसंग से ही होंगे ना? जी। सर्विस भी दोस्तों बहुत ही फास्ट था सैमसंग का, क्योंकि 30 तारीख मेरे यहाँ दिखा रहा था इंस्टॉलेशन डेट, बट 28 को ये लोग आ गए और डिलीवर्ड भी थोड़ा जल्दी हो गया था 27 को। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा फ्रिज कैसा लग रहा है। मैंने सिर्फ इसको 22,000 में लिया है, पुराना वाला देखिए मेरे पास था, इसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए मैंने इसको रिप्लेस किया है। सबसे पहले ये कि इसकी दोनों साइडें गर्म होगी ना, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अच्छा, ठीक है, ये दोनों साइडें गर्म होगी, इसके आपको किसी भी तरह का कोई कवर नहीं लगाना है। ऐसे लोग अच्छा लगने के लिए पे कवर लगाते हैं, इस पे आपका नहीं लगेगा। ऊपर लगा सकते हैं? हाँ, ऊपर लगा सकते हैं, यहाँ तक जो कवर आता है साइड में। अच्छा, वो लगा सकते हैं, बस इसको ढकना नहीं होता है। जैसे वो पिछली फ्रिज आपकी थी उसमें पीछे ब्लैक कलर की जाली लगी हुई है, फ्रिज चलती है तो वो जाली हीट होती है, तो सैमसंग वही जाली इंटरनल करके देती है बॉडी में। उससे बेनिफिट ये होता है, जैसे वो फ्रिज चलती थी तो एक समय होता था कूलिंग होती थी तो साइड में मॉइस्चर लगने लगता होता है ना, ठंडा पानी अगर किसी गिलास में भरते हैं तो साइड में मॉइस्चर लगता है। तो ठीक उसी तरह से जब अंदर कूलिंग होती थी तो साइड में मॉइस्चर की वजह से बॉडी में कुछ समय जाने के बाद जो है मुरझा वगैरह लग के वो खराब हो जाता था। ठीक है, तो इसके वजह से वो जब साइड हीट होगा तो इस पे आपका मॉइस्चर नहीं आएगा, तो बॉडी की लॉन्ग लाइफ बनी रहेगी। अच्छा, ठीक है, ये पोर्शन आपका पूरा फ्रीजर है। ओके, ठीक है, और ये पोर्शन आपका पूरा फ्रिज है। ठीक है, ये आपका कूल पैक है। ये क्या होता है? जो कि अगर फ्रिज चली हुई होती है, जैसे 7-8 घंटे फ्रिज चली होती है, उसके बाद अगर लाइट कट जाती है, अगर आप फ्रिज का दरवाजा नहीं खोलेंगे तो 2-2.5 घंटे तक वही टेम्परेचर वो मेंटेन किया रहता है, आइस जो रहेगा। आइस जैसे मानिए कि टेम्परेचर है -19 फ्रिज में कंटिन्यूअस बना हुआ है, लाइट चली गई, अब 2 घंटे बाद अगर आप दरवाजा नहीं खोलते हैं तो 2 घंटे तक वो समथिंग टेम्परेचर जो है -19 के आसपास ही बना के रखेगा। लेकिन दरवाजा खुलता है तो फिर उसमें होता क्या है, लिक्विड होती है जिसमें आइस जमता है, वो उसी आइस की वजह से वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। अगर वही दरवाजा खुल जाता है तो धीरे धीरे फिर वो भी मेंटेन होना चालू हो जाता है। ठीक है, ये आपका आइस क्यूब है। ठीक है, इसमें पानी भर के रखेंगे और फिर जब आइस हो जाएगी तो फिर ऐसे मूव करेंगे तो सारा आइस ट्रे में आ जाएगा। हाँ, इस पे कुछ रख सकते हैं क्या? ठीक, हाँ पूरा है, अगर जैसे इसमें आप रखना है कोई चीज बड़े बर्तन में अगर आपको रखना है तो फिर अगर आप चाहें तो इसको मूव कर दीजिए। ठीक है, ये फ्रीजर है। हाँ, अगर नहीं जरूरत लगता है तो इसको भी हटा दीजिए। अब इतना बड़ा आपका फ्रीजर हो गया। ठीक है, बेसिकली तो ये इसी तरह लगा। ठीक है, बाकी आपका वेजिटेबल ट्रे है, ये ट्रे है, वाटर गार्ड है, बाकी वो खाना वगैरह रखने के लिए हो गया। यहाँ पे फ्रेश रूम है। ठीक है, इसमें तो वो दूध वगैरह ना, हाँ दही दूध ये सब। ठीक है, यानी जिस चीज को हमें माइनस टेम्परेचर में रखना चाहिए वो चीजें हम ऊपर के तरफ रखेंगे। ये टोटल फ्रीजर है आपका, बाकी ये नीचे का फ्रिज है। देखिए, यहाँ से टेम्परेचर हम सेट करते हैं ये फ्रीजर का। ठीक है, अगर ये -19 टेम्परेचर तो दिखा रहा है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसको हम जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, -23 लास्ट टेम्परेचर है इसका, फिर ये सबसे कम टेम्परेचर है -15, यानी कि जो भी टेम्परेचर है ये हमेशा माइनस में ही रहेगा। अच्छा, ठीक है, वैसे तो इसमें ये ऑटो डिफ्रास्ट होती है। ठीक है, डबल टू की जो भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आती है ऑटो डिफ्रास्ट होती है, जो भी टेम्परेचर इसने अपने मेंटेन किया है। अभी के लिए अगर मैं बात करूं कि इसको 4-6 घंटा चलने पे 19 डिग्री टेम्परेचर बनाता है, उसके बाद ये अपनी स्पीड को कम कर लेता है। तो वही चीज ये है कि अगर आप सर्दी में देखेंगे तो आधे घंटे में वो अच्छी कूलिंग बना लेगा तो कम कर लेगा। मीन्स यहाँ से आपको टेम्परेचर नहीं, गर्मी में आप यहाँ तक कर सकते हैं। हाँ नहीं, गर्मी के समय में फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना। अच्छा, ये तो सबसे कम हो गया, -15, फिर 14, फिर जहाँ 10 आएंगे फिर आप प्लस में आ जाएंगे। ये माइनस
23 जो है सबसे ज्यादा है गर्मी के लिए। हाँ, उसी तरह से ये है बट इसका उल्टा होता है, एक पे ये सबसे ज्यादा ठंडा करता है 1°C, ठीक है। उसके बाद फ्रिज के लिए, हाँ ये इसके लिए फ्रिज के लिए चल रहा है, ठीक है। ये 1 के बाद क्या आता है 0, उसके बाद वो माइनस में काउंट होने लगता है, ठीक है। यानी कि 1 तक है, 1 से लेके 7 पे सबसे कम ठंडा है और 1 पे सबसे ज्यादा ठंडा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी ये सैमसंग से आए थे और इन्होंने पूरा फीचर्स वगैरह सब कुछ बताया है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, और काफ़ी इजी टू यूज़ भी है। तो दोस्तों देखिए, जैसे हम लोगों का इंस्टॉलेशन तो हो गया था, फिर घर में नया सामान आता है तो उसके टिक के और उसको पूजा करके उसको शुभ लाभ किया जाता है, बनाया जाता है। तो चलिए गायत्री को मैं बुलाऊँ, उसको बुलाऊँ तो पूजा वूजा कर दूँ। देखिए वो भी आ गई है, देखिए उसको टिक दो अच्छे से, पूजा करना है बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्तों, पूजा हो रहा है, देखिए हम लोगों के नया फ्रिज का। अगरबत्ती जला के धूप दिखा दिया जाए, देखिए कैसा हम लोगों का फ्रिज है दोस्तों। देखिए तो दोस्तों देखिए, थोड़ा बहुत हमारे पास फ्रिज में जो भी सामान था हमने इसमें भर दिया है, अभी जिसमें बहुत स्पेस है, वेजिटेबल वगैरह और भी लाएंगे, मिल्क वगैरह, तब इसमें जब पूरा फुल हो जाएगा तब और भी अच्छा लगेगा। चलिए इस खुशी में खा लेते हैं लड्डू, मुंह मीठा किया जाए पहले।